रॉयल ओमान पुलिस आरोपी ने मादक पेय पदार्थों के व्यापार के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, उत्तरी शर्किया के अल मुदाहिबी पुलिस ने मादक पेय पदार्थों के व्यापार के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। वे बिक्री के लिए एक निजी वाहन में मादक पेय के 120 बोतलें परिवहन कर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ओमान एयरपोर्ट्स के अनुसार 10 अलग अलग देशों की कुल 28 उड़ानें आज मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। अनुसूची के मुताबिक आज मस्कट एयरपोर्ट से 27 उड़ानें भी रवाना होंगी। आगमन की उड़ानों में भारत से 9, दुबई यूएई से 6, दोहा कतर से 4, बांग्लादेश से 2, इथियोपिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, सीरिया और इजिप्ट से एक एक उड़ान और सल्तनत के भीतर से एक उड़ान शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमान में 740 नए कोरोना वायरस मामलों के पंजीकरण और 28 लोगों की मृत्यु की घोषणा की। एमओएच के अनुसार देश में कुल मामले अब 84,509 हैं, जिनमें से 78,912 अब स्वस्थ हैं और 637 मौतें हुई हैं। मंत्रालय ने सभी से आग्रह किया है कि वे सर्वोच्च समिति और एमओएच द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करें, साथ ही साथ घर पर रहें और जब तक आवश्यक न हो बाहर न जाएं।